स्वप्न और स्वप्न साक्षात्कार और संकल्प ये पूर्व जन्म से नुदे हुए पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर संकल्प आते रहते हैं, स्वप्न भी आते रहते हैं और साक्षात्कार भी होते रहते हैं। जिन्होंने नौदा भक्ति की है उन्होंने साक्षात्कार भी किए थे, तो यहां भी वो रेल घूम सकती है। दुष्ट संकल्प आते हैं, पूर्व जन्मों में दुष्ट कर्म किए हैं, तो उस आधार पर दुष्ट संकल्प भी आते हैं, फिर स्वप्न भी आते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्वप्न में जो क्षीणता आती है शक्तिपात होता है। कहेंगे कि संपन्नता नहीं आई है, लेकिन कोई पाप नहीं बनता है कर्म इंद्रियों से। इतनी निशानी मिल रही है कि हमारे संकल्प अभी शुद्ध नहीं हुए हैं। संकल्पों में शुद्धि आ जाएगी तो स्वप्न भी अशुद्ध नहीं आवेंगे, शक्तिहीनता नहीं फील होगी।